नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स के अंदर। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप एआई का इस्तेमाल करके कैसे यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। ना तो आपको उसके अंदर अपना फेस दिखाने की जरूरत है, ना ही आपको अपनी आवाज उसके अंदर डालने की जरूरत है। उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस हम सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से करेंगे। यहाँ पर आप इस छोटी सी यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं जो कि 2 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो है, और इसके ऊपर यहाँ पे 2 साल के अंदर 6 मिलियन व्यूज आए हैं इस वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक बैकग्राउंड में वीडियो रन हो रही है और उसके ऊपर फ्रंट में सब टाइटल्स चल रहे हैं। अगर मैं इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पे ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल ने ऐसे ही काफ़ी सारी छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोज बनाई हुई है जिनके अंदर बस फोटो है और फ्रंट पे सब टाइटल्स रन होते रहते हैं और बैकग्राउंड में जिनके ऑडियो है। और ये जो चैनल है वो काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर रहा है क्योंकि ये चैनल यहाँ पे मोनेटाइज भी है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मोनेटाइजेशन चेक करनी नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा ही चैनल कैसे बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एआई का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल था जिसका यूजर नेम था ग्रे मैटर बॉट्स, इसको मैंने एआई की मदद से कुछ इस तरह का बना दिया है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपको यही होगा कि आपको यूट्यूब के ऊपर एक चैनल क्रिएट करना है। मेरे पास एक ऑलरेडी चैनल था तो मैंने उसी को यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद हमें अपने चैनल के लिए नेम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे द ड्रीमर्स चैनल यहाँ पे अपने चैनल को नाम दिया है। तो चैनल का नेम ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ किया और मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पे पूछा कि मेरे को 50 मोटिवेशनल चैनल्स के नेम दो अच्छे। तो यूट्यूब चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए और इसके अंदर से मैंने द ड्रीमर्स चैनल यहाँ पे चूज़ किया जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसके बाद हमें अपने चैनल के लिए लोगो बनाना है और बैनर बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट का यूज़ किया जिसका नाम है स्टेबल डिफ्यूजन, जो कि एक ओपन सोर्स एआई है। आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अपने चैनल के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस इस वेबसाइट के ऊपर आना है और प्रॉम्प्ट के अंदर जिस तरह की इमेज आपको चाहिए हो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। तो अब के मुझे इसने कुछ इस तरह का रिजल्ट दिया है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं या आप अपने इमेजिनेशन से यहाँ पे और अच्छे से डिस्क्राइब करके अपनी इमेज को यहाँ पे नई इमेज जनरेट कर सकते हैं। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसकी इमेज मैंने इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाई है। जब आप अपना लोगो सेलेक्ट कर ले अपने चैनल के लिए, इसके बाद हमें अपनी ब्रांडिंग का काम ख़त्म करने के लिए हमें अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक बैनर चाहिए कुछ इस तरह का। इस बैनर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कैनवा का यूज़ किया है। आप बस इस वेबसाइट पे आना और यहाँ पे सर्च करना यूट्यूब बैनर और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए और उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लैंक से बनाया था ये वाला। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने अपना ये जो बैनर है इस चैनल के लिए वो कैसे बनाया था। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना यहाँ पे बैनर क्रिएट करा था अपने YouTube चैनल के लिए। इसके बाद आता है हमारा सबसे मुश्किल काम जो कि है वीडियो बनाना अपने चैनल के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी का यूज़ किया स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी सबसे पहले यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए कि मैंने चैट जीपीटी को बोला मेरे को 10 शॉर्ट स्टोरीज के आइडिया दो जिसमें एक पर्सन अपनी एक बेकार की रिलेशनशिप में पड़ के अपना समय खराब कर रहा है। तो चैट जीपीटी ने मेरे को यहाँ पे 10 आइडियाज़ दिए जिसके अंदर से मैंने यहाँ पे ये 5th वाली यूज़ करी स्टक इन द पास्ट, क्योंकि ये मेरे को अच्छी लगी। और इसके बाद मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, तो चैट जीपीटी ने मेरे को यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिख कर दे दी। इसके बाद ये जो कंटेंट है स्टोरी जो चैट जीपीटी ने लिख के दी, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको इस वेबसाइट के पास जाना है जो कि है 11 लैब्स। इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस अपना जो टेक्स्ट है यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी वॉइस पसंद आती है उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपको नीचे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है जिससे आपकी ऑडियो क्रिएट हो जाएगी। आपकी ऑडियो फाइल यहाँ पे क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना है इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है pictree.ai। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे साइन अप कर लेना। मैंने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे शानदार फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है एडिट वीडियोज यूजिंग टेक्स्ट और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। फिर इसके बाद जो हमारी ऑडियो थी
उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। और जब आप अपनी ऑडियो को यहाँ पे अपलोड कर दोगे, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और अगेन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म हमारी उस ऑडियो के हिसाब से हमारी वीडियो को ऑलरेडी खुद ही बना देगा, सब कुछ ये खुद ही करेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप किस तरह के सबटाइटल चाहिए, तो आप यहाँ से नीचे सबटाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरह के आपको यहाँ पे सबटाइटल्स वीडियो के अंदर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट चलूँगा और यहाँ पे फिर कस्टमाइज वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इस प्लेटफॉर्म ने हमारी ऑडियो से यहाँ पे सारे सबटाइटल्स को रेडी कर दिया है और यहाँ पे सीन्स भी आपको रेडी कर दिए हमारी स्क्रिप्ट के लिए, हमारी वीडियो के लिए यहाँ पे सीन्स भी रेडी हो चुके हैं। अब बस इन सीन्स के अंदर आपको अपनी या तो आप फोटो लगा सकते हैं या फिर वीडियो, फोटो वीडियो के लिए आप यहाँ पे विजुअल्स पे जा सकते हैं और जिस भी तरह का आपको सीन चाहिए वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करके, जैसे हमने स्टेबल डिफ्यूजन पे किया था वैसे ही आप यहाँ पे सर्च करके फोटो या वीडियो जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको इसकी कोई इमेज सेलेक्ट पसंद नहीं आती तो आप यहाँ पे अगेन स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी जिस भी तरह की आपको इमेज चाहिए वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो मैंने कुछ इस तरह की इमेज स्टेबल डिफ्यूजन से बनाई थी, एक डिप्रेस्ड गर्ल की। ये इमेज बनाने के बाद आपको मैंने इस इमेज को इसके अंदर अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इमेज ऑलरेडी है, मैं उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सीन वन सेलेक्टेड है और मैं यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा तो हमारे सीन वन के ऊपर ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है सीन वन और सीन टू के अंदर। इसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ पे जितने भी सीन्स हैं उन सब सीन्स के अंदर इसको ऐड कर देना है इमेज को, या आप डिफरेंट इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो डिफरेंट इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। विजुअल्स यहाँ पे बन जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और फिर वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारी यहाँ पे वीडियो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे रन बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड में इसको रन कर सकते हैं और आपको जब आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी तो आपको मेल आ जाएगा। अब हमें चाहिए अपनी YouTube वीडियो के लिए एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल। थंबनेल के लिए मैं अगेन यहाँ पे कैनवा का यूज़ करूँगा। कैनवा को ओपन करना और यहाँ पे YouTube थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना। आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैंक के साथ ही अपना काम करूँगा। तो हमारा थंबनेल भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं गया था चैट जीपीटी के पास और मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मेरी इस स्टोरी के लिए एक अच्छा सा टाइटल बनाओ, कुछ इस तरह से मैंने चैट जीपीटी से पूछा। और यहाँ पे चैट जीपीटी ने मेरे को यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए, जिसमें से मैंने यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट किया, स्टक इन द पास्ट माई जर्नी ऑफ लेटिंग गो ऑफ माई एक्स, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने वीडियो के टाइटल के लिए। इसके बाद मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इसी टाइटल के लिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी बना दो, तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन भी रेडी कर दिया। तो हमारा जो एंटायर प्रोसेस था वो सारा सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से हो गया और हमें ना तो उसके अंदर अपनी कोई फेस रिवील करना पड़ा, ना वॉइस देनी पड़ी, ना ही कुछ करना पड़ा। हमें यहाँ पे pictree.ai से मेल आ चुका है कि हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अपनी ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। As I scrolled through my social media feed, I saw a post from my ex-boyfriend that made my heart skip a beat. It was a picture of तो कुछ इस तरह की हमारी यहाँ पे वीडियो बनी है। तो चलिए अब लास्ट में अपनी इस वीडियो को YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं। मेरी इस अपलोडेड वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो हमारी इस वीडियो को YouTube के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी ऐसा ही शानदार कंटेंट लाता रहूँगा, तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें।